वन विभाग पेड़ों को लगाने का कर रहा भरपूर प्रयास, लोगों को दे रहा समझाइश। इस समय पूरे देश प्रदेश के साथ रीवा में भी वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। इसी के चलते रीवा का वन विभाग भी, जिसने भारी तादाद में पेड़ों को तैयार किया है, चाहता है शहर में, कस्बों में, गांव में उन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए जो कि आम आदमी के लिए या तो आमदनी का जरिया बने या फिर उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। इसी के चलते जहां एक और पीपल, बरगद, आम जैसे पेड़ों को लगाने की सलाह दी जा रही है या फिर उन पौधों को जो कि आम आदमी की सेहत को बेहतर करने के काम आता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे वन विभाग। हम मौजूद हैं रीवा की नर्सरी में, यहाँ पर तमाम तरीके के पौधों को तैयार किया गया है और इन पौधों की कोशिश की जा रही है रीवा जिले में लगाने की। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से। हमारे साथ इस समय वन संरक्षक मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं, रेंजर साहब से जानने का प्रयास करेंगे इस समय कौन कौन से पौधों को वो लगाने की सलाह दे रहे हैं। मेरा नाम शंकर प्रसाद मिश्रा, उपवन क्षेत्र पर रेंजर के पद पर चार्ज में हूँ, काम कर रहा हूँ। विशेष रूप से हमारा ये मानना है कि पर्यावरण हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण को संतुलन बनाना और साफ सुथरा बनाना। उस उद्देश्य से हम कृषकों के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, पहले तो उनके मन की बात लेते हैं कि वो क्या लगाना चाहते हैं अपने ज़मीन में, और उनको उत्साह देते हैं कि देखो आपके मेड़ जो है तो खाली पड़ी हुई है, आपके बगार पड़े हुए हैं, वो फालतू आपको कोई आय नहीं मिल रही, भले पट्टा है आपके नाम से, उसमें टेम्बर की भी चीज़ लगा सकते हैं, आप जलाऊ लगा सकते हैं। विशेष उद्देश्य हमारे रहता है कि बड़े पौधे ये लगाएं, फिर उनसे भी सलाह के मुताबिक लेते हैं तो कुछ फलदार वृक्ष जैसे आम है, कटहल है, अमरूद है, जामुन है, ऐसे बड़े वृक्ष होते हैं उनका सलाह देते हैं। और टेम्बर में जो है तो जलाऊ है, कुछ जो है तो वो लोग पूजा ऊजा के हिसाब से पौधे जो है तो भी मांग करते हैं, तो जैसे बरा है, पीपल है, और आपके कुछ पौधे हम जो है तो आयुर्वेद आयुर्वेद से संबंधित उनको देते हैं, जैसे फालसा है। फालसा एक ऐसा वृक्ष है जिससे भी टॉनिक जूस तैयार होता है, उसको बताते हैं कि इनको बच्चों को देने से अच्छा जूस मिलेगा, उनको स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक आप लसोड़ा आता है, वो भी बड़ा वृक्ष होता है, वो पर्यावरण से भी संबंधित है और उसमें से जो उसके फल होते हैं उसमें अचार उसका हम विशेष लगाव दे रहे हैं। दूसरी बात में हम औषधि पौधों का तैयार कर रहे हैं और संग्रहण पर्व कर भी रहे हैं, जितना हमको बिंद क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ भी जानकारी हमको वैद्यों से हम चर्चा करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जो है तो जानकारी लेते हैं, लेकिन विशेष रुचि हमारा पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य, उसके लिए सामने वाले की किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की उनके पास जमीन उपलब्ध है, उसके हिसाब से उनको सलाह दी जाती है आप इस तरीके के पौधे लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। रीवा दर्शन के लिए मैं जानती हूँ। हम जिस पौधे के पास बैठे हैं इसको पत्थर चूर कहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये किस काम आता है, बताएं। ये पत्थर चूर है, पत्थरी के पास है पेट में ही, कहीं भी पत्थरी हुई तो या पत्ता दुई थे ढाई थे यदि खाब हम तो हमारा पत्थरी गिर गई। एक के साथ साथ इतना ही नहीं, यदि कभी दुर्भाग्य से हमारा एक्सीडेंट हो गया तो या यदि हम पत्ता खाई थे तो अपना के ब्लड के जो निकले के ही रेशियो है तो वह बहुत कम रहा करी। और यह बहुत अच्छा छोटा सा पौधा होता और एक के साथ साथ यह जो उनमें तो जितना अधिक पानी अपना दे और उतना हुआ रही, पर एक गंदे स्थान में न लगावा जाए, गंदे स्थान में लगाए से ही एक रिजल्ट घट जाता है। ये कितने दिन में ये पथरी को सही कर देता है? ये एक माह डेढ़ माह के अंदर बिल्कुल ये पथरी हुआ कर देता है। यदि इससे मान ली दुर्भाग्य से यदि हमारे इससे नहीं पथरी गिर लागी एक धीम गति से है गिरे के ही तो सहजन हमारे पास है, तो सहजन के अपना छाली का उपयोग कर सकी थे, पत्ता का उपयोग कर सकी थे, अपना के ओखर फूल का उपयोग कर सकी थे, फल खा सकी थे, ओके यहाँ तक कि मुनगा जो उन है तो मुनगा का कौनो चीज़ ओखर अंग फेंकने चाहिए और मुनगा का 3 साल 4 साल रखे और फिर ओके बाद ओखा जो उन काट दे, नीचे से नया तोमा दे और फिर अच्छे से एक पत्ते का ही सब्जी बना के भाजी बना के ये अपना खाइए तो पथरी में मतलब जितने मर जाए हर मर्ज में उपयोग किया जा सका था,
हम अपना का चल के हमें ओहू का सहजन के बारे में दे थे जानकारी। क्या नाम है आपका? उपेंद्र प्रताप सिंह वन रक्षक। हमारे साथ मौजूद थे उपेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बिल्कुल आसान शब्दों में इस समय वन विभाग में उपलब्ध जड़ी बूटियों के बारे में बताया। आपका साफ तौर से कहना था कि हमारे पास जो पौधे हैं अगर इनका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो पथरी की बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। इस समय जो पौधा है इसको सतावर कहते हैं। सतावर उन लोगों के लिए खास तौर से काम आता है, उन महिलाओं के लिए काम आता है जिनको अभी हाल ही में बच्चा हुआ होता है। इसको लगाने से दर्द खत्म होता है और ढेर सारी इसके बहुत सारे इसके फायदे हैं। हमारे साथ उपेंद्र जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। जी बताएं ये सतावर का क्या फायदा है? सतावर जो है तो बहुत ताकत का काम करता है। यदि जिन महिलाओं को दूध नहीं आता है तो उसके लिए भी, कमर उमर में दर्द है तो इसमें दो तीन दवा और औषधि मिला के इनको हम खिलाते हैं, उसको ताकत आता है। इसमें कैल्शियम बहुत पाया जाता है, कैल्शियम भी रहता है, मतलब हर मर्ज के लिए। और गांठों वाँठों में दर्द वर्द रहता है तो दर्द वर्द का ही ठीक कर दे सब है अपने का। यदि 3 माह लगातार यदि अपना सिर्फ सतावर भर खाई थी तो 1 वर्ष का अपना का ताकत बिल्कुल मौजूद मिली, जो उनकी एलोपैथ के दवा में ही अपना का नहीं। और के साथ साथ हमका ताकत जो दे रही थी दे रही है, ओके साथ साथ हमारा पेट साफ करिए। इसका तरीका क्या है खाने का? खाने का तरीका ये है, इसमें जड़ होता है, कंद होता है। आप देखिए ये आप पॉलीथीन में है तो इसको हम क्या करेंगे कि इसकी जड़ होती है तो इसको हम ओमा लगा दें जमीन में ही, तो एक बाद फरवरी मार्च में जब एक पत्ता झड़ जाए तब हम एक खोद ले तो खोदे के बाद इतनी इतनी जड़ निकला करती, इतनी इतनी कहीं वह जो जड़ निकलती तो ओका सुखा ले, तो सुखावे के तरीका हुआ करता है। एक का करे को जड़ का बढ़िया अच्छे से धो डाले और धोए के बाद हल्का बफायदे मतलब 60-70 सेंटीग्रेड तापमान में ही ओका गर्म करिए। ओके बाद निकाल के ओका छिलका निकाल दे ओखा और ओके बीच में गर्म ऐसे किन जाती है कि जो नहीं हमका ओका रेशा निकाले कहीं नमी खत्म हो जाए। हाँ।